ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। इसमें दो विचार धाराएं लड़ती आ रही हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, दूसरा लोग और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के नू में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने सबसे टफ यात्रा की शुरुआत की, इस यात्रा का संदेश हर राज्य में, हर जिले में गया। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया जिसमें युवाओं में आक्रोश है, वहीं यात्रा का उद्देश्य प्रेम भाई चारा बढ़ाना है, अहिंसा ना फैलाएं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की वजह से यात्रा सफल रही। आजादी के बाद सबसे टफ भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की राहुल गांधी जी ने। इस यात्रा का संदेश पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में गया है, हर घर में गया है, क्योंकि मकसद रखा है साफ, महंगाई का। जो कमर तोड़ महंगाई है देश में, बेरोजगारी का भयंकर आक्रोश है युवाओं के अंदर, और देश में प्रेम भाईचारा, प्यार मोहब्बत रहे, हिंसा नहीं हो, जो आज तनाव पूरे मुल्क में है। आपका मेवात का क्षेत्र तो आजादी के वक्त से ही एक मायने रखता है, जब गांधी जी आए थे क्षेत्र के अंदर, और मेवात के लोगों ने देश प्रेम की भावना जिस प्रकार कूट कूट के भरी हुई है, देश का गवाह यात्रा प्रारंभ हो रही है। राजस्थान में 17 दिन तक यात्रा चली, आप सबकी दुआओं से बहुत ही शानदार तरीके से यात्रा संपन्न हुई। आम लोगों ने भी भयंकर साथ दिया, बहुत उत्साह था, नौजवानों के अंदर उत्साह था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का माहौल में देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में संदेश है पूरे हरियाणा के अंदर, किस प्रकार से शुरुआत आपने करवाई है राहुल जी की यात्रा की। हम अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, और मैं तो कह सकता हूं कि इस यात्रा का जो संदेश है, एक प्रकार से पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी टफ यात्रा का रास्ता चुना
राव जी ने, इसके लिए हम राव जी के कांग्रेस जनता ही है, देशवासी मैं समझता हूँ कि आभारी है कि उनकी आवाज बनकर के राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और यही भावना मैं समझता हूँ आगे आने वाले वक्त में केंद्र सरकार को मजबूर करेगी। किस प्रकार से महंगाई कम हो, बेरोजगारी पे अंकुश लगे, और मजबूर कर देगी मोदी जी को, भारत सरकार को, किस प्रकार से तनाव कम हो।